अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सालिया डिज़ाइनर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट स्टाइल के साथ बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये फ्रॉक मैं 10 से 12 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। आप इस मेथड को फॉलो करते हुए किसी भी एज के लिए बना सकते हैं। इसके लिए नेट फैब्रिक 2 गज़ यूज़ होगा और ये प्लेन फैब्रिक 1.5 गज़ यूज़ होगा। इसकी लेंथ 73 इंच है और इसकी चौड़ाई 55 इंच है। इसे हम फोल्ड करेंगे और एक बार फिर इसे फोल्ड करेंगे। ये हमारे पास 4 लेयर हैं। फ्रॉक की लेंथ हम 34 इंच रखेंगे। 34.5 इंच पर हमने इसको अलग कर लिया है। इसकी चौड़ाई 26.5 इंच है। ये तीरे और बाजुओं का साइज करते हुए हमने नेट को अलग कर लिया है। इसके बाजू हमने 3/4 रखने हैं। आपने अगर फुल बाजू रखने हैं तो इस तरह साइज करते हुए आपको 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होगा। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अब एक बार हम फिर इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर से इस तरह हम कट लगा लेंगे। यहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। चौदह इंच की लंबाई पर हम ये गुलाई देना स्टार्ट करेंगे। ये खोलने से कुछ इस तरह से शेप आएगी। ये फैब्रिक गले के लिए है। इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। तीरे का साइज हमने 12 इंच रखना है। सिलाई का मार्जिन रखते हुए इस फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई को हमने 13 इंच पर अलग कर लिया है। इसको इस तरह फोल्ड करते हुए एक बार फिर इसे फोल्ड करेंगे। गले की चौड़ाई के लिए हम 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई के लिए भी हम 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहां से कट कर लेंगे। यहां से अब हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके कोनों में इस तरह से हम कट लगाएंगे। अब हम यहाँ चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने लगा ली है और बाकी के फैब्रिक को इस तरह जोड़ते हुए हमने इसकी चौड़ाई और लंबाई को कंप्लीट कर लिया है। इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और इसकी गुलाई करेंगे। यहाँ से इस तरह निशान लगाते हुए इसके दोनों साइड पर इस तरह हम कट लगाएंगे। ये प्लेन फैब्रिक हमने यहाँ पर फिक्स करना है। ये दोनों तरफ से हमने 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है, ये देखें। और यहाँ से हम चुनट देंगे, इस तरह बारीक चुनट देंगे ये दोनों तरफ से। व्यूअर्स, ये फ्रंट और बैक पर हमने गैदरिंग करनी है। अब हम इस गले को इस तरह रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और फिर इस रुख पे मोड़ते हुए जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ये बाजू के सेंटर में हम गैदरिंग करेंगे और उसके बाद हम कपड़े को इस तरह मोड़ते हुए हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। ऐसे ही हम इस बाजू पर भी गैदरिंग करते हुए कपड़े को फिक्स कर लेंगे। ये देखें, हमने चारों तरफ से इस गले को फिक्स कर लिया है और ये बाजू पर हल्की सी चुनट दी है। अब हम इसको पलटेंगे और ये चारों तरफ से आपस में मिलाते हुए हम हल्की सी गुलाई करेंगे। अब हम यहाँ चारों तरफ से इस तरह फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस नेट को अंदर की तरफ डालेंगे।
चेस्ट के लिए हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह निशान लगाकर सिलाई लगा लेंगे। और नीचे से घेर को इस तरह बारीक सिलाई करते हुए मोड़ेंगे और ये हम नेट को भी इस तरह बारीक फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स जी, हमने नेट पर बारीक फोल्ड करते हुए राउंड में सिलाई लगा ली है और ये अस्तर में फिटिंग की सिलाई लगाते हुए घेर को बारीक फोल्ड करते हुए मोड़ लिया है। और अब हम यहाँ फूल लगाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमने फूल लगा लिए हैं और बहुत ही खूबसूरत हमारा फ्रॉक तैयार हो चुका है। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब मैं आपको इसकी रेयर लुक दिखाऊंगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।